करनाल के बस्ताड़ा टोल पर गत दिवस किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रविवार को नरवाना क्षेत्र के किसानों ने नरवाना शहर के बीचों बीच प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन नरवाना के SDM सुरेंद्र सिंह को सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से करनाल क्षेत्र के किसान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक का विरोध करने जा रहे थे, लेकिन बस्ताड़ा टोल पर ही सरकार के आदेश पर वहां के अधिकारियों ने ऐसे आदेश पुलिस के कर्मचारियों को दिए जिसके बाद यह पता वह पूरे देश ने यह देखा और सुना कि किस प्रकार अधिकारी कह रहे हैं कि अगर प्रशासन के इस बैरिगेट्स को कोई पार करता है तो उसका सिर फोड़ दिया जाए। इसी को चलते कई किसानों को प्रशासन द्वारा लहू लुहान किया गया, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी मामले को लेकर पूरे देश में, पूरे हरियाणा में जाम लगाए गए थे, किसानों द्वारा देर रात को जाम खोले गए थे। रविवार को नरवाना क्षेत्र के किसानों ने बद्दोवाला टोल प्लाजा से लेकर शहर के बीचों बीच होते हुए एक रोज प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इस मामले की जांच करवाकर ऐसे पुलिस के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बेरहमी से किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। और रही बात केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों की, और इसके चलते सरकार कितने भी यत्न किसानों के इस आंदोलन को तोड़ने के कर ले, लेकिन जब तक किसान वापस घरों को नहीं लौटेंगे, जब तक 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा रद्द नहीं कर दिए जाते, तो न्यूजीलैंड नरवाना की टीम भी इस प्रदर्शन के दौरान साथ रही। तो देखिए किस प्रकार का विरोध किसानों ने इस प्रदर्शन के दौरान जताया है। ठीक है।